This call is now being recorded. ठीक है, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन. चलिए एक बार देख लेते कि पिछले क्लास में हमने क्या देखा था और वहां से हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं. सो इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन समथिंग लाइक अ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड. हमने देख लिया था स्प्रिंग सीजन के अंदर आपके कैम्बियम की एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है. ठीक है, हां जी बेटा, किसी का क्वेश्चन है? अच्छा, या जसप्रीत, गुड इवनिंग. ऑलराइट, सो स्प्रिंग सीजन के अंदर याद रखेगा कि आपकी कैम्बियम की एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, ऑटम सीजन में आपकी एक्टिविटी कम रहती है. और ये कम एक्टिविटी होने का रीजन क्या होता है? सनलाइट कम है आपके पास, टेम्परेचर आपके यहाँ पे लो है, तो जब कैम्बियम एक्टिविटी आपकी कम रहेगी तो याद रखना आपके जो वेसल्स होते हैं वो आपके काफी नैरो बनते हैं. सो यू हैव अ नैरो वेसल्स ओवर देयर. ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए कि आपका जैलम भी आपका कम एड होगा यहाँ पे. सो याद रखना ऑटम सीजन के अंदर आपका कैम्बियम एक्टिविटी कम रहती है, जैलम आपका कम एड होगा, राइट, एंड डार्क बैंड आपको देखने के लिए मिलेगा. सो ऑटम सीजन में जो भी आपके जो ज़ालम एलिमेंट बनेंगे वो आपके डार्क बैंड आपको बना के देते हैं, दे गिव यू द डार्क बैंड ओवर हियर. तो ये हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर. स्प्रिंग सीजन में बिल्कुल ही अपोजिट कहानी होती है. स्प्रिंग सीजन में आपकी एक्टिविटी काफी ज्यादा रहती है कैम्बियम की, राइट, तो वो टाइम पे क्या होगा, यू विल फाइंड मोर अमाउंट ऑफ ज़ालम विल बी एडेड और वहां पे आपके जो वेसल्स होंगे वो आपके वाइडर होंगे, दे विल बी मच मोर वाइडर इन दैट कॉन्टेक्स्ट. तो ये भी हमने पिछले क्लास में देख लिया था, दैट इज समथिंग वी हैव सीन. याद रखना टेम्परेचर, सनलाइट एंड इवन प्लांट हॉर्मोन्स, ये सब चीजें इन्फ्लुएंस करती है आपके कैम्बियम एक्टिविटी की. ठीक है, सो दीज ऑल थिंग्स आर इन्फ्लुएंस द कैम्बियल एक्टिविटी. तो ये चीज भी हमने कल देखी थी. अब मुझे ये बताइए कि इंडिया के अंदर, या अब मुझे ये बताइए कि श्रीलंका के अंदर क्या मुझे एनुअल रिंग्स काफी क्लियरली देखने के लिए मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलनी, क्लियरली देखने के लिए नहीं मिलेगी. ट्रॉपिकल बेल्ट में एनुअल रिंग्स जो बनती है स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड से, वो क्लियरली आपको देखने के लिए नहीं मिलती. हाँ, टेम्परेट एरिया में अगर आप जाते हो तो आपको काफी क्लियरली वो देखने के लिए आपको मिल जाती है. सो दैट इज समथिंग टू बी क्लियर टू यू. सो अगर आप टेम्परेट एरिया की बात करते हो लाइक कनाडा, यूएसए वाले बेल्ट के अंदर, सो यू विल गेट टू सी कि वहाँ पे एनुअल रिंग्स आपको काफी क्लियर कट मिलेगी देखने के लिए, क्योंकि वहां पे आपको टेम्परेचर फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा मिलता है. सो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन वहां पे ज्यादा मिल जाएगा आपको. लाइक आपका स्प्रिंग सीजन में आपका टेम्परेचर काफी अच्छा रहेगा और विंटर में बहुत ही हार्श हो जाएगा, तो क्योंकि आपका फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है टेम्परेचर का वहां पे स्प्रिंग और ऑटम के अंदर, यू विल फाइंड अ वेरी गुड एनुअल रिंग्स कैन बी सीन. क्लियर कट डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स आपको वहां पे मिल जाती है. तो ये हमने देख लिया था, देयर इज समथिंग वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास, एनुअल रिंग्स हमने यहाँ पे देख ली थी, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड द हार्टवुड एंड अ सैपवुड. हार्टवुड आपका रहता है सेंटर वाला जो ज़ालम एलिमेंट होता है उसे हम कहते हैं हार्टवुड. ये पानी कंडक्शन नहीं करता, ये करता है आपका स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस. सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम यहाँ करेंगे स्टोर. मैकेनिकल सपोर्ट आपको ये करेगा यहाँ पे प्रोवाइड, मैकेनिकल सपोर्ट आपको ये प्रोवाइड करता है, और ये होता है आपका नॉन फंक्शनल. तो याद रखना ये वाटर कंडक्ट नहीं करेगा, ये मैकेनिकल सपोर्ट आपको करेगा प्रोवाइड यहाँ पे, और इसमें कई सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपके करे जाते हैं स्टोर, जिनकी वजह से माइक्रोब्स और इंसेक्ट भी इस ट्री को डैमेज नहीं कर सकते. कई बार आपके माइक्रोब्स और इंसेक्ट भी इन ट्रीज को डैमेज नहीं कर पाते हैं. एंड देन यू हैव द सैपवुड जो आपका पेरिफेरी में होता है, वो आपका सैपवुड होता है, यही आपका पानी का कंडक्शन करेगा और ये लाइटर कलर का होता है. सो इट इज लाइट इन कलर और यही करेगा आपका पानी और मिनरल का कंडक्शन. सो दैट इज समथिंग आल्सो वी हैव सीन. और ये जितने भी आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इनके नाम याद रख लेना, इनके नाम याद रखना, अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको इनको आना चाहिए, इनको लाइक डील करना. सो दिस इज समथिंग वी हैव डन. तो ये सब चीजें हम लोग देख चुके थे, एंड देन वी हैव स्टार्टेड विद द कॉर्क कैम्बियम वाली स्टोरी. तो इस स्टोरी को एक बार फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होता है. जब आपका सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो आपका एपिडर्मिस होगा ब्रेक. स्टोरी को याद रखना कि जब आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता है तब आपका एपिडर्मिस यहाँ पे आपका होगा रप्चर, और जब आपका एपिडर्मिस यहाँ पे रप्चर होगा तो हमें उसे करना पड़ेगा यहाँ पे रिपेयर. वी हैव टू रिपेयर द एपिडर्मिस. और उसे रिपेयर करने के लिए कौन मदद करेगा आपके यहाँ पे? कॉर्टिकल सेल्स. आपके जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, कॉर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं, उनमें से कुछ सेल्स आपके कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द कॉर्क कैम्बियम. सो लाइक दो लेयर आपकी यहाँ पे होती है कॉर्टिकल सेल्स की, वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है इनटू द कॉर्क कैम्बियम. अब कॉर्क कैम्बियम बेसिकली है क्या? इट इज अ वन टाइप ऑफ अ मेरिस्टेमेटिक सेल्स. इट इज अ वन टाइप ऑफ माय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये आपका एक टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है.
और अब यहाँ पे क्या होगा, ये टिश्यू आपके सेल्स एड करेगा ऑन द बोथ द साइड, बाहर के साइड पे भी एड करेगा ये सेल्स और अंदर के साइड पे भी ये सेल्स एड करेगा। याद रखना जब आप बाहर के साइड पे सेल्स ऐड कर रहे हो तो आपका बनेगा यहाँ पे कॉर्क, जो आप बाहर के साइड पे सेल ऐड करोगे तो वहां पे बनेगा आपका कॉर्क, और जब आप अंदर के साइड पे यहाँ पे सेल्स ऐड करोगे तो आपका बनेगा यहाँ पे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सो ऑन द इनर साइड यू विल बी फाइंडिंग देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ योर सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये बात याद रखना, बाहर के साइड पे आपका कॉर्क बनेगा, अंदर के साइड पे आपका बनेगा यहाँ पे आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द कॉर्क कैम्बियम। तो इतनी चीज हमने पिछले क्लास में देखी थी। अब मुझे पहले ये बताओ कि क्या यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो ना इसके अंदर तो प्लीज बता दो कि सर कंफ्यूजन आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से ठंड लग रही है बता दो, सो आई विल रिपीट दोस थिंग्स टू यू। ठीक है, सो इतना पहले याद रख लेना। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आपका जो कॉर्क कैम्बियम है, सो लेट मी मेक अ कॉर्क कैम्बियम ओवर हियर, राइट। जब ये सेल्स ऐड करता है आपके बाहर के साइड पे, व्हेन इट एड्स अ सेल्स ऑन द आउटर साइड, राइट, आप जानते हो कि आपका बनेगा यहाँ पे कॉर्क, इट विल फॉर्म द कॉर्क। ये जो कॉर्क यहाँ पे बन रहा है ना, इसका एक और नाम होता है, दैट इज माय फेलम। ये बात याद रखना। सो बाहर के साइड पे जो यहाँ पे आपका जो कॉर्क बन रहा है, इसका एक और नाम यहाँ पे होता है, एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी माय फेलम। सो द अदर नेम ओवर हियर इज गोइंग टू बी माय फेलम। ठीक है, जो अंदर के साइड पे आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो सेल्स, आपने बोला था कि यहाँ पे आपका बनेगा आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स अंदर के साइड पे, सो हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स आपके यहाँ पे बन रहा होता है ना, इसका भी एक नाम होता है, और वो नाम यहाँ पे होता है फेलोडॉर्म। तो ये टर्म भी आप रखेंगे यहाँ पे याद। सो यू हैव अ फेलोडर्म, यू हैव अ फेलम। सो सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो आपने अंदर बनाया उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ फेलोडर्म, और जो बाहर के साइड पे आपका यहाँ पे जो कॉर्क बना उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फेलम। तो ये चीज पहले तो आपको रखनी है यहाँ पे याद, दैट इज वन थिंग शुड बी ऑल ऑफ यू शुड बी क्लियर विद, राइट। अब इसके बाद जो अगली चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे वो क्या होगा कि आपका जो कॉर्क कैम्बियम है, आपका जो कॉर्क कैम्बियम आपको यहाँ पे बीच में दिख रहा है, सो यू हैव अ This is going to be the cork cambium, na? The cork cambium. इसका भी एक नाम होता है, इसका भी यहाँ पे एक नाम लग जाएगा, और वो नाम यहाँ पे लग जाएगा आपको यहाँ पे फेलोजन। That name over here is going to be the फेलोजन। So याद रखना यहाँ पे आपका नाम जो आपको याद रखना है, that is going to be the फेलोजन। तो ये तीन नाम आपके सामने यहाँ पे नए आ चुके हैं, एक है आपका फेलम जिसको हम कहते हैं कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम का एक और नाम यहाँ पे आपका होगा, दैट इज गोइंग टू बी द फेलोजन। हाँ वापस बताता हूँ स्टार्टिंग से, देखो कॉर्क कैम्बियम तुम जानते हो क्या कर रहा था, वो आपके सेल्स एड कर रहा था बाहर के साइड पे अंदर के साइड पे। जो बाहर के साइड पे सेल्स एड करता है तो बनाता बना के क्या देता है आपको कॉर्क, और कॉर्क का एक और नाम यहाँ पे क्या होगा, दैट इज माय फेलम। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम जब अंदर के साइड पे सेल्स एड कर रहा था तो हमने क्या देखा, वो क्या बना रहा था हमारे लिए सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का एक और नाम यहाँ पे ये होगा फेलोडर्म। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का एक और नाम यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे एज अ फेलोडर्म। ठीक है, और जो कॉर्क कैम्बियम आपके पास में है यहाँ पे, इसका एक और नाम यहाँ पे होता है जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फेलोजन। तो फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म, ये तीन टर्म आपके सामने यहाँ पे आ चुके जो नए टर्म है। ठीक है, सो यू हैव अ फेलम मतलब कॉर्क, फेलोजन मतलब कॉर्क कैम्बियम, और फेलोडर्म मतलब सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और ये जो मेरे तीन टर्म हमारे सामने हैं, ये जो मेरे सामने ये तीन टर्म हैं, इनको हम कलेक्टिवली एक नाम बुलाते हैं। सो फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज माय पेरिडर्म। इनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेरिडर्म। सो ये चीज आपको रखती है यहाँ पे याद, फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म को कलेक्टिवली हम यहाँ पे एक नाम से बुलाते हैं, और वो नाम आपका यहाँ पे रहेगा पेरिडर्म, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अ पेरिडर्म। तो ये बात आपने रखनी है याद कि पेरिडर्म क्या होता है। कभी पेरिडर्म आपके सामने टर्म आ गया एग्जाम के अंदर तो याद रखना, दैट मीन्स फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म को कलेक्टिवली हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेरिडर्म। ठीक है, बताओ वरुण क्या क्वेश्चन था आपका, बताइए। नहीं सर। नहीं, ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो ये हो गया आपने यहाँ पे पेरिडर्म, तो ये बात याद रखना, और अगर इतना याद रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।
तो क्या यहाँ तक चीजें आप सबको समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, और ये जो आपका जो कॉर्क रहता है ना, ये इसको हम इवन कहते हैं बार्क ऑफ द ट्री, यही आपका होता है बार्क। बार्क तो सबने देखी है ना, तोड़ी भी होगी ट्री की फिजूल में, राइट? सो दैट इज द बार्क ऑफ द ट्री, राइट? चलिए आगे देखते हैं। तो यही था स्टोरी कॉर्क एमएम का। एज अ स्टेम कंड्यूस टू इंक्रीज इन गर्थ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ द वास्कुलर कैम्बियम, द आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मल लेयर गेट्स ब्रोकन, ये आपकी बाहर की आपकी लेयर आपकी हो जाती है ब्रेक। इट इज टू बी रिप्लेस टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर, तो इसको हमें करना पड़ेगा रिप्लेस अगर ब्रेक हो गई तो। हेंस अनदर मेसेमेटिक टिश्यू कॉल कॉर्क कैम्बियम डेवलप्स यूजुअली इन द कॉर्टेक्स, तो आपका कॉर्क कैम्बियम यहाँ पे डेवलप करता है कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। देन फिर क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे। फेलोजन, जिसे हम कहेंगे फेलोजन, इज अ कपल ऑफ लेयर थिक्स मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल्ड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स, राइट? फेलोजन कट्स ऑफ द सेल्स ऑन द बोथ द साइड, दोनों साइड पे सेल डालना चालू करेगा। द आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फेलम, एंड द इनर सेल डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फेलोडर्म। सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पेरेन्काइमेटस इन नेचर, ठीक है, ये तो सिंपल बात है, राइट? तो ये हमें मिलेगा देखने के लिए। याद रखना कॉर्क इज इम्परमेबल टू वाटर ड्यू टू सुबेरिन डिपोजिशन इन द सेल वॉल, क्योंकि यहाँ पे सुबेरिन आपको मिलेगा सेल वॉल के अंदर, तो इम्परमेबल होता है वाटर को लेके। फेलोजन, फेलम, फेलोडर्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज माय पेरिडर्म, ये भूलना मत, ये क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, ठीक है। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द रिमेनिंग लेयर पेरिफेरल टू द फेलोजन एंड अल्टीमेटली दीज लेयर डाई एंड स्लॉक्स ऑफ, बिल्कुल आपकी नई सेल्स वहां पे ऐड होते रहेंगे और पुराने सेल्स आपके डाई ऑफ होते रहेंगे। सो दैट इज समथिंग विल हैपन बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द फेलोजन। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, दिस इज द थिंग यू हैव टू नो। ये रहा आपका ट्री का ट्रंक, और आप देख सकते हो आपका बार्क जो होता है वो आपका यहाँ पे बनता है कॉर्क, दैट इज अ कॉर्क एक्चुअली। ये डार्क ब्राउन है आपका, दैट इज अ फेलम जो आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ये है आपकी बार्क जो आप सबने देखी है, स्टिल आई एम शोइंग यू ओवर हियर। अब हम बात करते हैं हमारे लेंटिकल्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेंटिकल्स, लेंटिकल्स में यहाँ पे क्या होता है। अब लेंटिकल्स समझने के पहले आप सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे देख लो कि आपका जो ट्री है, यहाँ पे आपके सामने जो ट्री, उसके अंदर आपको होल्स दिख रहे हैं। सो यू कैन वेरी क्लियरली सी सम स्मॉल होल्स ऑन द ट्री, ये जो आपको होल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, दिस होल्स व्हिच यू गेट टू सी ऑन द ट्री, इन होल्स को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ लेंटिकल्स। इन होल्स को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ लेंटिकल्स। अब ये करते क्या है, बेसिकली जो आपको होल्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, इनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। सो गैसियस एक्सचेंज थ्रू लेंटिकल्स कैन बी सीन हैपनिंग, सो गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे आपका हो जाता है। अब आप सोचोगे कि सर गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे क्या ही होता होगा, तो याद रखना कि यहाँ पे आपका CO2 और O2 का एक्सचेंज आप कर सकते हो इन होल्स के थ्रू। सो लेंटिकल्स आर नथिंग बट दिस स्मॉल कैविटीज ओवर हियर, या होल्स में हम बोल सकते हैं, इनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज किया जा सकता है। सो यू कैन फाइंड CO2 एंड O2 कैन बी एक्सचेंज, CO2 एंड O2 का यहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हो। लेकिन याद रखना यहाँ से जो एक्सचेंज होता है ना, वो बहुत कम अमाउंट में होता है, लाइक अ वेरी लाइक निग्लिजिबल अमाउंट में ये गैसेस एक्सचेंज होगा। आई वुड से अराउंड सिर्फ 1% होता है ये गैसेस एक्सचेंज। सो ये जो भी एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा होता है, इट इज ओनली 1% ऑफ द टोटल एक्सचेंज जो प्लांट करता है। बिकॉज सही मायने में अगर CO2 और O2 का अगर आप एक्सचेंज देखोगे तो आपके लीव्स के थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, वो इनके थ्रू नहीं होता। तो याद रखना CO2 और O2 का यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है वो बहुत कम अमाउंट में होता है इन लेंटिकल्स के थ्रू, ठीक है। सो याद रखना जब आपका सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा होता है तो काफी सारे ट्रीज के अंदर आपके होल्स क्रिएट होते हैं, आपके रप्चर होता है आपके एपिडर्मिस, वहां पे होल्स क्रिएट होते हैं और उन होल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे लेंटिकल्स, और इनके थ्रू आप गैसेस एक्सचेंज आप कर सकते हो। बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है लेकिन हो सकता है, तो ये बात आपको रखनी है याद। नाउ लेट्स सी व्हाट इज बीन रिटन ओवर हियर। एट अ सर्टेन रीजन फेलोजन कट्स ऑफ क्लोजली अरेंज पेरेन्काइमेटस सेल्स ऑन द आउटर साइड, बिल्कुल वो आपके सेल्स को ऐड करेगा वहां पे, और उसके बाद वहां पे क्या होता है, दीज सेल्स रप्चर एपिडर्मिस फॉर्मिंग अ लेंस शेप्ड ओपनिंग कॉल्ड अ लेंटिकल्स। यहाँ पे आपका एपिडर्मिस होता है रप्चर और उससे क्रिएट होता है यहाँ पे एक स्मॉल एपरेचर जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे से लेंटिकल। दे अकर मोस्टली इन द वुडी ट्रीज, ये वुडी ट्रीज के अंदर मिलेगा देखने के लिए आपको। क्या काम होता है, फंक्शन क्या होगा इनका, दे परमिट गैस एक्सचेंज बिटवीन द आउटर एटमोसफेयर
एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम. तो गैसेस एक्सचेंज में आपकी थोड़ी बहुत मदद कर देते, लेकिन याद रखना बहुत ही कम अमाउंट में ये एक्सचेंज होगा. जो भी एक्सचेंज होगा ये बहुत ही कम अमाउंट में, ये बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में होता है. मेन एक्सचेंज जो आप करा रहे होते हो वो आपका हो रहा होता है वाया स्टोमेटा. ठीक है, यहाँ से आपका एक्सचेंज होगा गैस का वो बहुत कम होगा. तो यही चीज आपको रखनी है इसके अंदर याद. तो इसके ऊपर बेस का आपके आपके इसके ऊपर बेस जनरली आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट इतनी जो स्टोरी है वो आपको रखनी पड़ेगी इसके अंदर याद. राइट, सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक. इस तरीके से आपके लेंटिकल्स यहाँ पे आपके दिख जाते हैं. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. और ये रियल में पिक्चर आपकी ऐसे दिखती है, जो ज्यादा बेटर पिक्चर है वैसे देखा जाए तो अबाउट द लेंटिकल्स. अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंडरी ग्रोथ की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स. स्टेम का सेकेंडरी ग्रोथ तो हमने अच्छे से देख लिया, समझ लिया. अब हम बात करते हैं रूट्स की. अब रूट्स की बात करने के पहले आप इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना आपको. राइट, एक मेन चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब भी आप बात करते हो सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स की, यहाँ पे आप पेरिसाइकिल का जिक्र करोगे. यहाँ पे आपने पेरिसाइकिल का जिक्र करना है, क्योंकि पेरिसाइकिल आपका मदद करता है क्या बनाने के अंदर. व्हाट विल पेरिसाइकिल विल हेल्प इन फॉर्मिंग कैम्बियम. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. इट विल हेल्प इन फॉर्मिंग द कैम्बियम. ठीक है, सो पेरिसाइकिल का बेसिकली याद रखना, इट विल प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम, जिसके वजह से आपका सेकेंडरी ग्रोथ आपका यहाँ पे होगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायकोट्रूट वास्कुलर कैम्बियम इज कम्प्लीटली सेकेंडरी नहीं, ये आपका बाद में बनता है, पहले आपको नहीं मिलता, बाद में बनता है. इट ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल. फ्लोएम बंडल के नीचे आपको जो टिश्यू मिलता है वहां से आपको बनता है, विच इज गोइंग टू बी अ पोर्शन ऑफ अ पेरिसाइकल. सो एक पोर्शन होता है पेरिसाइकल का, वहां से आपका बनेगा ये, एंड अबव द प्रोटोक्साइलम फॉर्मिंग अ कंप्लीट कंटिन्यूस वेवी रिंग. ठीक है, सो वहां से आपका एक बड़ी सी वेवी रिंग आपकी बनेगी एंड वो बिल्कुल हो जाता है आपका सर्कुलर. वैसे ही आपका सर्कुलर बन जाता है, वैसे वहां पे बना करता था कैम्बियल रिंग, वैसे आप ये भी एक वेवी रिंग आपको बनाएगा ऑफ योर कैम्बियम. सिमिलरली सच कैम्बियम विल बी फॉर्म्ड. अब एक बार आपका कैम्बियम यहाँ पे बन चुका है, देन आपका सेकेंडरी ग्रोथ आपका होना चालू करेगा. फर्दर इवेंट्स आर सिमिलर टू द डायकॉट स्टेम. बाकी के इवेंट सिमिलर है डायकॉट स्टेम से. तो इसके अंदर से भी आपका कोई क्वेश्चन अगर बनता भी है ना, तो क्वेश्चन यही बनता है कि ये कैम्बियम रूट्स के अंदर बनाता कौन है. राइट, चार रखना, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल इज इन्वॉल्व टू मेक दैट कैम्बियम हैपन. ठीक है, अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल इज इन्वॉल्व व्हिच विल बी प्लेइंग अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कैम्बियम. तो ये बात आपने रखनी है यहाँ पे याद. राइट, इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, और कुछ इसके अंदर कंटेंट है नहीं, इट्स अ वेरी स्मॉल कंटेंट. अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एक छोटी सी दो चार लाइन देके रखी हुई, यही लाइन देके रखी हुई है, उतनी ही आपको याद रखनी है, और कुछ आपको उसके ऊपर बियॉन्ड याद नहीं रखना. सो दैट इज माई सेकेंडरी ग्रोथ इन द रूट्स. ठीक है, सो अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो. दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है हार्टफूड के कॉन्टेक्स्ट में, बता दीजिए सोच के मुझे इसका आंसर. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी कह रहे हो आप लोग मुझे यहाँ पे आंसर कि इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल एफिशिएंटली. इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. हाँ जी, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग है. हार्टवुड ये सब नहीं करता. तो ये काम कौन करता है, वाटर मिनरल कंडक्शन कौन करता है? बिल्कुल सही, दैट इज समथिंग डन बाय माय सैफवुड. राइट, 2017 का क्वेश्चन था. आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन लोग पूछते हैं. कोई क्वेश्चन यहाँ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, इनके आप आंसर आराम से लगा सकते हो. ठीक है, हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैफवुड इन. हार्टवुड सैफवुड से कैसे डिफर करता है बताइए. क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी. ऑप्शंस ऑफ डी. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी कह रहे हो, डी कह रहे हो आप लोग? डी. हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग. अच्छा, बी कह रहे हो आप लोग. हार्टवुड डिफर्स इन सैफवुड बाय हैविंग द डेड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स. ये बिल्कुल सही आंसर है आपका. अगर ऑप्शन बी आप लोगों ने टिक किया यहाँ पे, देन आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है. बिल्कुल, हार्टवुड के अंदर एक तो वो डेड होता है. राइट, उसके अंदर कोई भी नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट नहीं होता, मतलब इट इज गोइंग टू बी नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट. वो कोई भी आपका वाटर या मिनरल को यहाँ पे आपका कंडक्ट नहीं कर रहा. सो दैट इज वाई ऑप्शन बी बिकम्स हियर एज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन बी इन टर्म्स ऑफ द हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम द सैफवुड के कॉन्टेक्स्ट में. राइट, ऑप्शन डी नहीं आएगा, एब्सेंस ऑफ वेसल्स एंड पेरेन्काइमा, ये नहीं आएगा. ये कोई सही कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई सही टर्म नहीं है हार्टवुड के लिए. प्रेजेंस ऑफ फाइबर एंड रेज, ये भी सही नहीं है.
बीइंग ससेप्टेबल टू अ पैथोजन, ये तो बिल्कुल गलत है, राइट? पैथोजन एंड पेट्स, ये तो बिल्कुल गलत है आपके यहाँ पे. सो ऑप्शन बी बिकम्स अ करेक्ट आंसर, राइट? स्क्लेरेनकामा टिश्यू इज अ डैश टिश्यू, बताइए, ध्यान से आंसर करिएगा. डेड एंड मैकेनिकल टिश्यू आपका ये हो जाता है, बिल्कुल सही बात है आपका. अच्छा, इसकी वॉल किससे बनी हुई होती है स्क्लेरेनकामा की? बोलो बोलो, खुशी खुशी बोलो. लिग्निन. हाँ, लिग्निन. इतना क्यों सोचते हो आप लोग, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, आंसर गलत हो जाएगा, उससे क्या ही होता है. लिग्निन इज गोइंग टू बी राइट आंसर. आप लोग बहुत सोचते हो ना, आंसर गलत हो गया तो क्या होगा, लाइक यू थिंक ना वेरी मच. ऐसे कैसे चलेगा. लिग्निफाइड सेल वॉल आर प्रेजेंट इन वेयर? कोई तो भी पेरेंकाइमा बोला, कौन है जो पेरेंकाइमा बोल रहा है इसके अंदर? इट इज अ रॉन्ग आंसर, पेरेंकाइमा नहीं होगा. 2, 3 and 4, 2 आपका आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. स्क्लेरेनकाइमा के अंदर आपको लिग्निन मिलता है देखने के लिए, ठीक है? सो 2 विल बी द राइट आंसर. चलो ये वाला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेसल इन अ फ्लावरिंग प्लांट, बताइए ध्यान से देख के बताइए आंसर. क्या फंक्शन होता है आपके वेसल्स का फ्लावरिंग प्लांट के अंदर? आपका आंसर यहाँ पे सही है, बिल्कुल. वेसल्स जो आपके होते हैं उनका काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, बिल्कुल. यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना आपके वाटर और मिनरल्स को, ठीक है? दैट इज गुड बी ऑप्शन 4. अरे वरुण है क्लास में? नहीं है या खत्म हो गई बैटरी? अच्छा, अनुराधा है या नहीं? अनुराधा की 20% बैटरी थी. अनुराधा है या नहीं है क्लास के अंदर? सीम्स लाइक नहीं है. सो दिस इज समथिंग वी फाइंड हैपनिंग. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विल बी डन बाय योर वेसल्स ओवर हियर, ठीक है? चलो, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन, क्यूटिकल आपको इनमें से किसके अंदर आपको एब्सेंट मिलेगा? ध्यान से आंसर करिए, क्यूटिकल इनमें से किसके अंदर आपको एब्सेंट मिलेगा? कर सकते हो, इतना कोई डिफरेंट है नहीं. बोलिए. लोग मुझे रूट एपिडर्मिस यहाँ पे बोल रहे हैं, बाकी लोग भी आंसर कर सकते हैं. क्या लग रहा है, रूट एपिडर्मिस होगा या कुछ और होगा? अरे रूट एपिडर्मिस ही होगा, इतना मत सोचा करो, कॉन्फिडेंस बोलो रूट एपिडर्मिस और आगे बढ़ते हम लोग. सो रूट एपिडर्मिस के अंदर आपको क्यूटिकल देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. क्यूटिकल आपको मिल सकता है स्टेम के अंदर, लीफ के अंदर, कभी रूट के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए नहीं. रूट के अंदर कभी भी आपको क्यूटिकल मिलेगा देखने के लिए नहीं. सो याद रखना, ऑप्शन 4 बिकम्स अ करेक्ट आंसर ओवर हियर. चलो आगे बढ़ते हैं. व्हिच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल अकर इन द रूट ऑफ द मोनोकॉट? रूट ऑफ मोनोकॉट रेडियल वास्कुलर बंडल आपको मिलेंगे रूट ऑफ द मोनोकॉट के अंदर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है. ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज व्हाट? जो ग्राउंड टिश्यू होता है लीफ का उसे हम क्या बोलते हैं? मेसोफिल. अरे बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, मेसोफिल सेल इज द राइट आंसर. मेसोफिल सेल आपके यहाँ पे जाएगा राइट आंसर. अब मुझे ये बता दो कि डायकॉट लीफ के अंदर, जब हम डायकॉट लीफ की बात करते हैं, तो डायकॉट लीफ में यू हैव टू काइंड ऑफ पेरेंकाइमा, उनका नाम क्या होता है? स्पॉन्जी. पहले साइड पेरेंकाइमा एंड स्पॉन्जी पेरेंकाइमा. राइट, वेरी गुड ईशा, बहुत बढ़िया. सो यू हैव अ स्पॉन्जी एंड यू हैव अ पैलिसिड पेरेंकाइमा, बिल्कुल सही. यू हैव अ स्पॉन्जी एंड यू हैव अ पैलिसिड पेरेंकाइमा, राइट. सो पैलिसिड एंड स्पॉन्जी पेरेंकाइमा, ये दो टाइप ऑफ पेरेंकाइमा आपको मिलते हैं देखने के लिए, ठीक है? अब मुझे ये भी बता दो फटाफट आप लोग कि बुलिफॉर्म सेल का काम क्या होता है? एब्जॉर्ब वाटर. बहुत सही, राइट. ये लोग वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, उससे फायदा क्या होता है प्लांट को, लीफ को क्या फायदा होता है? एक्सेस वाटर, लेस वाटर लॉस. अब समझ गया यार क्या बोल रहे हो आप लोग. वाटर एब्जॉर्ब कर ले बुलिफॉर्म सेल, उससे लीफ को क्या फायदा होगा?
वो अपने आप को इरेक्ट रख पाता है, वो अपने आप को इरेक्ट रख पाता है लीफ, राइट। जब तक मुलिफॉर्म सेल में पानी एब्जॉर्ब है तब तक वो अपने आप को सही पोजिशन पे प्लेस कर पाएगा, अपने आप को इरेक्ट रख पाएगा। लेकिन जैसे ही पानी उसमें से निकल जाता है देन व्हाट डू गेट टू सी कि नहीं, फिर उसके बाद वो अपने आप को इरेक्ट नहीं रख पाता एंड यू विल फाइंड इट विल कर्ल अप, ठीक है। सो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। लैटरल रूट कहाँ से आते हैं, ये हम ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, राइट। इस तरफ हम वक्त नहीं लगाएंगे। हाँ, वास्कुलर रिंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, वास्कुलर कैम्बियम रिंग किससे बनी हुई होती है बताइए, 1 2 3 4 क्या आंसर इसके अंदर लग सकता है आपको सही, वास्कुलर कैम्बियम रिंग किससे बनी हुई होती है सर? 3, राइट। इंटरफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, यहाँ पे इंट्रा आ गई है, इंट्रा इंट्रा एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से बनी हुई होती है आपके यहाँ पे वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। अब मुझे बता दो कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किस में से बनता है? मेडुलरी रेस में से बनेगा, आपका ये बनता है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, the presence of cambium in the vascular bundle provides them the ability to, अगर cambium लगा हो तो उससे हमें क्या फायदा मिलता है? second tissues, right, अगर आपके पास cambium हो, याद रखिए सब लोग ध्यान से, अगर आपके पास cambium है stem के अंदर या root के अंदर, then उसके वजह से आपका secondary growth होता है। सेकेंडरी ग्रोथ होना मतलब आपका सेकेंडरी टिश्यू बनना, मतलब आपका सेकेंडरी एक्सैलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनना। सो यस, ऑप्शन बी बिकम टू ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर, दैट इज गोइंग टू बी वन थिंग, राइट। द हार्टवुड कैन नॉट कंडक्ट वाटर बिकॉज ऑफ, हार्टवुड अपना पानी कंडक्ट नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ व्हाट? डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सर फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यस, डिपोजिशन ऑफ माई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिपोजिशन आपको वहां पे मिल जाता है, इसके वजह से वो लोग पानी वहां पे कंडक्ट नहीं करते। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली आपका चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। सो दिस वेर यू विल गेट टू सी कि आपका चैप्टर अल्टीमेटली यहाँ पे आपका हो जाता है खत्म, आपका चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पे आपका रैप अप होता है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, विल टेक अ इंट्रो ऑफ अ न्यू चैप्टर जो आपका रहेगा यहाँ पे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो ये इस चैप्टर के अंदर हम दो पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं। एक पार्ट आपका यहाँ पे होता है टिश्यूज का, और एक पार्ट आपका यहाँ पे होता है आपके जिसमें हम बात करते हैं एनिमल के बारे में, लाइक योर कॉकरोच, कॉकरोच को हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ चैप्टर नंबर 7 जहाँ पे हम लोग एनिमल्स की बात करेंगे फाइनली काफी दिनों के बाद, राइट। नहीं तो फिलहाल हम प्लांट्स की बात कर रहे थे, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, देन बीच में प्लांट किंगडम, राइट। But now in this area, in this chapter, we'll discuss something about the animal tissues and जो काफी तक related होता है, right? I mean, like when you talk about bones, blood, cartilage, right? So relate कर सकते हो आप, ठीक है? Compared to parenchyma, sclerenchyma, so that is something now we'll be doing right now, right? ठीक है? So आज तो हम intro लेते हैं इस chapter का कि chapter में क्या-क्या होगा, क्या-क्या हम पढ़ेंगे और कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसको लेके हम लोग करते हैं यहाँ पे क्लियर। सो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो एक तो इसके अंदर आता है आपका एनिमल टिश्यू वाला पार्ट। सो वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी अबाउट द एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू के अंदर क्या होगा, यू विल फाइंड 4 टाइप ऑफ टिश्यू इज समथिंग वी हैव टू पे अटेंशन टू। इसमें 4 टाइप के टिश्यू के ऊपर हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। एक आपका यहां पे होता है एपिडर्मल टिश्यू, सो हम देखेंगे यहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ एपिडर्मिस, राइट। लेट मी रिमूव दिस बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ प्लांट आई हैव रिटन एपिडर्मल, इट इज गोइंग टू बी एपिथेलियल टिश्यू। 4 हफ्ते से प्लांट पड़ा पड़ा के, so you have epithelial tissue, sir लगता है आपको एनिमल पसंद है। वापस बोलना, सुनाई नहीं दिया सर। आपको एनिमल पसंद है? हाँ
ज्यादा रिलेटेबल होते एनिमल्स प्लांट से. देन यू हैव अ मस्कुलर टिश्यू. That is the second tissue which we'll be discussing in detail. Then we'll have the connective tissue. Plants को study करने में एक अच्छी बात ये होती है कि वो कहीं भाग नहीं सकते. तो समझो आज आपने study किया आपका आधे घंटे, फिर कल वापस आके आप उसे आधे घंटे देख सकते हो, फिर और आधे घंटे आके देख सकते हो. Animals के साथ क्या वरुण? अगर सर तूफान चला तब? ये देखो अब वो तो तूफान तो रोज रोज थोड़ी आता बेटा, वो तो एक्सट्रीम कंडीशन में आता है. और भी अच्छा खासा प्लांट होगा लगा हुआ बढ़िया सा, तो वो तूफान में खड़ा रहेगा वहां पे, कहीं नहीं जाएगा वो. एनिमल्स के साथ वैसा नहीं होता ना. एनिमल्स खड़ा है आपका बर्ड आपके सामने 5 मिनट के लिए, फिर वो वहां से उड़ गया. पिंजरे में बंद. क्या वरुण? क्या अगर पिंजरे में बंद है तो सर उसको देखते जाओ. अब पिंजरे में क्या ही तुमने स्टडी कर लेना है बर्ड को. पिंजरे में रख के तो बर्ड का पूरा बिहेवियर ही चेंज हो जाता है. जो बर्ड तुम्हें देख के भागना चाहिए था वो तुम्हें देख के तुम्हारे पास आ रहा है, ये सोच के अभी रोटी खाने को मिलेगी. तो सो यू वोंट बी एबल टू स्टडी एनिमल बिहेवियर इन अ रियल सेंस ऑफ अ बर्ड इन अ केज. ठीक है चलो. So these are the kind of tissue we'll be focusing on. इसके अलावा जो next part जो इसके chapter में हम देखते हैं वो हम बात करते हैं यहाँ पे cockroach की, right? Cockroach as a insect case study हम उसे समझते हैं, उसे detail में हम लोग समझते हैं बिल्कुल, like उसका circulatory system, nervous, endocrine system, all of the things we try to understand in the cockroach. ठीक है? अभी हमारा focus रहेगा to pay attention to all those kind of tissues, epithelial, muscular, connective and nervous, right? तो आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू से आज हम स्टार्ट करते हैं और इसके कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ चीजें यहाँ पे हम समझते हैं. ठीक है, एपिथेलियल हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग मस्कुलर कर लेते हैं. लेट्स डू द मस्कुलर वन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी कैन डू द एपिथेलियल वन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द मस्कुलर टिश्यू. अब जब भी आप बात करते हो मस्कुलर टिश्यू की तो आपने इसको डिवाइड करना है तीन कैटेगरी के अंदर. सो लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर ओनली. सो मस्कुलर टिश्यू आप तीन कैटेगरी में आप यहाँ पे डिवाइड करते हो. यू विल हैव समथिंग लाइक योर skeletal muscle, then you will have something like your smooth muscle, and then उसके बाद आपको मिलेगा यहां पर देखने के लिए आपका यहां पर something like your cardiac muscle. You have a cardiac muscle, you have a smooth muscle and you have a skeletal muscle. तो चलिए अब इन muscles को हम लोग देखते हैं कि इन muscles में क्या traits होते हैं, क्या इनके general characters होते हैं. Let's try to see them, let's try to understand them, right? अच्छा किसी का question है क्या? Someone has a question right now. ये वरुण ने कुछ लिखा होगा. Only frog के बारे में पढ़ाया था. School में ही कराया. What is happening? HM frog H. अच्छा आपके स्कूल में आपको फ्रॉग कराया कॉकरोच नहीं कराया? यस सर. सर नहीं कराया, मतलब कॉकरोच हमारे स्कूल में तो कुछ नहीं. सर हमें दोनों करवाए. हाँ मतलब ठीक है, दोनों करवाया या तीनों करवाया? सर हमें अर्थवर्म करवाया. हाँ देखो अगर स्कूल वाले तीनों करा रहे ठीक है, दैट इज देयर थिंग, बट नीट के कॉन्टेक्स्ट में यू हैव टू डू ओनली वन एनिमल ओवर देयर, ऐसा है इसलिए. सर वो तो हमें पकड़ के करना पड़ेगा सर, हमें तो. क्या सर? हमें तो पकड़ के करना पड़ेगा सर. नहीं मतलब इसमें ऐसा है कि जो बोर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो आप पढ़ सकते हो कॉकरोच और अर्थवर्म को सुपरफिशियली, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन नीट के कॉन्टेक्स्ट में वो करने की आपको जरूरत नहीं. नीट के कॉन्टेक्स्ट में आप जो करते हो वो आप करेंगे, यहाँ पे कॉकरोच ही करेगा आप. हमें तीनों करवाए थे. हाँ स्कूल में तो बड़ा कराते वो, बट नीट के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही एनिमल करना है. एचपी बोर्ड का कोई भरोसा नहीं, कभी रिड्यूस. अच्छा ठीक है. हाँ चलो. Now let's start with the skeletal system. अब जब भी हम बात करते हैं skeletal system की या जब भी हम बात करते हैं हमारे skeletal muscles की, right? So when we talk about the skeletal muscles,
तो याद रखना इसके अंदर कि ये आपका शेप क्या होता है। आपसे अगर कोई पूछे कि यार स्केलेटल मसल्स का शेप क्या होता है, या सबसे पहली चीज क्या है, ये मसल मुझे मिलते कहाँ पे, तो ये जो आपके मसल होंगे ये आपके बोन्स के साथ रहेंगे अटैच। सो दीज आर द मसल्स व्हिच आर अटैच्ड टू द बोन्स। तो ये आपके मसल्स होते हैं जो आपके बोन्स के साथ अटैच होते हैं। सो दीज आर द मसल्स, ये आपके रहेंगे मसल्स विच आर गोइंग टू बी अटैच्ड टू द बोन। ये बोन्स के साथ आपके रहेंगे अटैच, और इनके वजह से क्या होता है, इनके वजह से आप अपना लोकोमोशन कर पाते हो, मूवमेंट कर पाते हो। तो बेसिकली जो भी मैं अपने हैंड का मूवमेंट यहाँ पे कर पा रहा हूँ, या जो भी आप चल पा रहे हो, घूम पा रहे हो, अपनी बॉडी हिला पा रहे हो, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्केलेटल मसल। तो यार इतना स्केलेटल मसल जो आपके होते हैं, ये आपके वो मसल्स होते हैं जो आपके बोन्स के साथ अटैच रहते हैं, और इनकी वजह से आप अपना लोकोमोशन और मूवमेंट आप कर पाते हो। अब स्केलेटल मसल्स अगर आपसे कोई पूछे कि इनका शेप क्या होता है, तो जनरली दे आर गोइंग टू बी सिलेंड्रिकल इन शेप, दे आर गोइंग टू बी सिलेंड्रिकल इन शेप। सो ये आपके होते हैं सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। तो अगर इनको आप देखोगे तो इनका लाइक कुछ शेप इस तरीके से इनको आपको मिल जाएगा, दे विल बी सिलेंड्रिकल इन शेप। इसके साथ साथ अगर आप इन मसल्स को ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप के नीचे, अगर आप इन मसल्स को ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको इनके अंदर कई सारे बैंडिंग्स आपको मिल जाएगी। सो यू विल गेट टू सी बैंडिंग्स लाइक दिस, अगर आप इनको ऑब्जर्व करोगे ना माइक्रोस्कोप के अंडर, so you'll get to see such bandings over here on them। और ये जो bandings आपको दिखती है इन muscles के अंदर, इन bandings को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे as a striation। so याद रखना striation is observed, striation is observed। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि स्केलेटल मसल के अंदर आपको ऐसे बैंडिंग पैटर्न आपको दिख जाएगा उनके अंदर, और उनको हम बोलते हैं एज अ स्ट्रेटिएशन। सो स्ट्रेटिएशन आपको यहाँ पे काफी क्लियरली देखने के लिए आपको मिल जाता है। सो स्ट्रेटिएशन इज विल बी ऑब्जर्व्ड, सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू नो हियर इज कि आपके जो स्केलेटल मसल होते हैं वो आपके होते हैं वॉलेंट्री नेचर। वॉलेंट्री नेचर का मतलब ये होता है कि आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। सो दे आर गोइंग टू बी वॉलेंट्री इन नेचर, इसका मतलब आपने इनको कंट्रोल करना है। अच्छा फिलहाल क्लास में ध्यान दो आप लोग, सर कौन सा है, फ्रॉग या कॉकरोच? बेटा अभी क्लास इसको देख लो फिलहाल के लिए, यहाँ पे देख लो, फिर हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं कॉकरोच एंड फ्रॉग, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे नहीं तो ये मिस हो जाएगा आपका। सो दे आर गुड बी वॉलेंट्री नेचर। अब वॉलेंट्री नेचर का मतलब यहाँ पे समझो कि ये जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं इनको आप मूव कर सकते हो अपनी मर्जी से, राइट। आज अगर मैं अपने हाथ हिला रहा हूँ या पैर हिला रहा हूँ, तो अपने कॉन्शियसली मैं उन्हें मूव कर सकता हूँ। तो याद रखना अगर आप कोई कॉन्शियसली मूव करते हो तो उसे हम बोलते हैं वॉलेंट्री। सो दे आर गोइंग टू बी वॉलेंट्री इन नेचर। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, स्केलेटल मसल्स दे अटैच टू द बोन्स, सिलिंड्रिकल इन शेप, एंड दे आर गोइंग टू बी वॉलेंट्री इन नेचर। और इनके अंदर आपको बैंडिंग पैटर्न देखने के लिए आपको मिल जाएगा, और इसलिए हम इसे बोलते हैं स्ट्रेटिएशन इज ऑब्जर्व्ड। स्ट्रेटिएशन आपको इसके अंदर काफी क्लियरली देखने के लिए आपको मिल जाता है। क्या यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही हैं? आर द थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? यस सर। लड़कियों को समझ आ रहा है यहाँ तक? यस सर। यस यस सर। बोल दिया करो यस। और बाकी लड़के लोग भी आए, होप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट सर? सारा ही, ठीक है। तो स्केलेटल मसल में क्या होता है ना, देखो यू विल फाइंड कि देखो पहली चीज आता है कि ये मसल मुझे मिलते कहाँ पे हैं। ये मुझे मसल्स मिलते बोन्स से अटैच हुए हुए, ये मसल्स होते हैं आपके बोन्स के साथ, ये रहते हैं अटैच, ठीक है। इनका शेप होता है सिलेंड्रिकल, दे आर गोइंग टू बी सिलेंड्रिकल इन शेप। ये दूसरी चीज याद रखना कि इनका शेप होता है सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब जब आप इन मसल्स को ऑब्जर्व करते हो ना माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको इनके ऊपर ऐसे बैंडिंग पैटर्न आपको मिलेगा जो मैंने यहाँ पे बनाकर रखा हुआ है। उस बैंडिंग पैटर्न को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्ट्रेटिएशन। बैंडिंग पैटर्न को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्ट्रेटिएशन, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे स्ट्रेटिएशन इज ऑब्जर्व, राइट। उसके बाद याद रखना कि ये जो मसल्स होते हैं इनको मैं अपने इच्छा से हिला मूव कर सकता हूँ। सो दैट इज व्हाई आई कॉल देम वॉलेंट्री इन नेचर। सो ये वॉलेंट्री इन नेचर होते हैं, दीज मसल्स यू कैन मूव वॉलेंट्रीली। आप अपने मर्जी से इनको आप मूव कर सकते हो, तो इसे हम बोलेंगे वॉलेंट्री इन नेचर, ठीक है। अब एक और पॉइंट इसमें याद रखो, यू विल फाइंड कि ये जो आपके मसल्स हैं
दे विल बी मल्टी न्यूक्लिएटेड, याद रखना। आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड इन नेचर, मतलब इसके अंदर आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये बात भूलना मत, स्केलेटल मसल्स आर गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड इन नेचर, इसके अंदर आपको एक से ज्यादा मसल्स आपको क्लियरली आपको देखने के लिए इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये बात भी याद रखेंगे आप लोग सब यहाँ पे, ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना। उसके बाद दे डू अंडरगो फटीग, दे अंडरगो फटीग, दे अंडरगो फटीग। अब इसका मतलब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, फटीग का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर आप इन मसल्स को हद से ज्यादा यूज करोगे तो ये थक जाएंगे और ये काम करना बंद कर देंगे। अगर आप इन मसल्स को हद से ज्यादा अगर आप यूज करते हो तो ये काम करना आपका कर देंगे बंद। अगर आप में से कोई जिम जा रहा है या वर्कआउट कर रहा है तो आपको पता होता है कि आप एक सडन लेवल तक एक्सरसाइज कर सकते हो, उसके बाद आप डंबल नीचे रख दोगे, राइट, बिकॉज योर मसल्स गेट फटीग, राइट, योर मसल गेट फटीग ओवर देयर, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट डू मच मोर अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज। तो याद रखना है जो आपके मसल्स होते हैं अगर आप इनको ज्यादा यूज करते हो देन दे डू अंडरगो फटीग, फटीग मतलब ये थक जाएंगे और ये फर्दर काम नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको देखने के लिए मिलता है, सेम चीज आपको मिलती है देखने के लिए क्रिकेट मैच अभी आजकल चल रहा है, आप देख सकते हो प्लेयर दौड़ दौड़ के थक जाता है, क्रैम्स आते हैं उसे मसल्स के अंदर और बैठ जाता है कहीं पे जाके वो, राइट। सो दैट इज ऑल एग्जांपल ऑफ योर स्केलेटल मसल गेटिंग फटीग, राइट, जब आप उन्हें एक्सेस में यूज करते हो देन दे डू अंडरगो फटीग। सो दैट इज समथिंग वी फाइंड हैपनिंग इन द एथलीट्स के साथ भी, ये देखने के लिए आपको मिलता है। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद, सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो मसल्स अटैच टू द बोन, सिलिंड्रिकल इन शेप, वॉलंटरी इन नेचर, स्ट्रेटेशन इज ऑब्जर्व, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड दे अंडरगो फटीग। तो ये सब चीजें आपको स्केलेटल मसल के अंदर आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दीज आर द ट्रेट्स ऑफ अ स्केलेटल मसल, अगर आपको इतने ट्रेट्स याद रहते हैं देन आपको स्केलेटल मसल बेस्ड क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा, ठीक है। तो क्या यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है, आर द पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? सर मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब होता है कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस होना, मल्टीपल न्यूक्लियस होना। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब यहाँ पे होता है कि आपके पास बहुत सारे न्यूक्लियस है, यू हैव मल्टीपल न्यूक्लियस, यू हैव मल्टीपल न्यूक्लियस। तो जब आपके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं आपके सेल के अंदर तो उसे हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। अभिषेक पता चला? यस सर, ठीक है। सो ये आपको मिलेगा देखने के लिए कंडीशंस, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूक्लियस आपको मिलेंगे देखने के लिए इस मसल्स के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा मसल यहाँ पे, तो हमारा देख लिया हमने स्केलेटल मसल, अब हमारा सेकंड मसल जो यहाँ पे आएगा दैट इज माय स्मूथ मसल, सेकंड मसल ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर स्मूथ मसल। अब जब भी आपके सामने स्मूथ मसल टर्म आए तो पहले तो आप इसका शेप याद रखना, इसका शेप बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसका शेप जो आपको मिलेगा देखने के लिए वो होगा फ्यूजी फॉर्म या स्पिंडल शेप। सो दीज मसल्स आर गोइंग टू बी स्पिंडल शेप, सो ये चीज आपको रखनी है याद। सो स्मूथ मसल्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी स्पिंडल शेप, और एक और बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेट दे आर गोइंग टू बी यूनी न्यूक्लिएटेड। तो इसके अंदर आपको एक ही न्यूक्लियस मिलेगा, दे विल बी शोइंग द दे विल बी यूनी न्यूक्लिएटेड। तो ये चीज याद रखना, तो आपके स्मूथ मसल जो होते हैं वो आपके स्पिंडल शेप होते हैं और उनके अंदर आपको सिंगल न्यूक्लियस ही देखने के लिए आपको मिलता है। अब ये जो आपके मसल्स होते हैं, कोई बताना चाहेगा मुझे कि ये मसल्स मुझे कहां मिल सकते हैं बॉडी के अंदर? एनीवन कैन टेल मी स्मूथ मसल्स बॉडी में कहां मिल जाते हैं? माइंड में, कहाँ पे? सर फूड पाइप में, राइट, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, ठीक है, यस आई कैन फाइंड देम इन द इंटेस्टाइन। सर ब्लड, ब्लड में, ब्लड वेसल्स में, इंटेस्टाइन आई कैन फाइंड देम इन द स्टमक, आई कैन फाइंड देम इन द ब्लड वेसल्स। इन सारी लोकेशंस पे मुझे मिल सकते हैं मेरे यहाँ पे स्मूथ मसल्स। अब ये जो स्मूथ मसल मेरे यहाँ पे इंटेस्टाइन में मिल रहे हैं, स्टमक में मिल रहे हैं, ब्लड वेसल में मिल रहे हैं आपको, ये इनको आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते, प्लीज ये बात रखना, इनको आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपने आप से रिलैक्स करेंगे, मतलब इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते,
ये अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे ये लोग, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब आपका खाना स्टमक में जाता है तो आपको उसे बोलना नहीं पड़ता कि खाने को मिक्स करना चालू करो, इट विल स्टार्ट डूइंग बाय इटसेल्फ, राइट। आपका स्टमक की वॉल अपने आप लाइक कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करती है और खाने को मिक्स करना वहां पे चालू करती है, एंड देन स्लोली खाने को आगे बढ़ाया जाता है, और इंटेस्टाइन की वॉल फिर धीरे धीरे आपका कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करती है और खाने को आगे बढ़ाती है। तो ये सब आप कंट्रोल नहीं करते हैं। तो याद रखना, दीज मसल्स आर गोइंग टू बी इनवॉलेंटरी इन नेचर, दे आर गोइंग टू बी इनवॉलेंटरी इन नेचर। सो याद रखना, ये आपकी होती है इनवॉलेंटरी, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते खुद से, राइट। आप में से कोई नहीं है ना जो कंट्रोल कर सकता है? तो सम ऑफ यू आर लाइक, नहीं सर हम तो कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज नॉट समथिंग यू कैन कंट्रोल बाय योरसेल्फ, दीज आर माय स्मूथ मसल्स। देन आफ्टर दैट यू विल फाइंड, आपको यहाँ पे स्ट्रिएशन देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। सो नो स्ट्रिएशन, आपको यहाँ पे कोई बैंडिंग पैटर्न आपको नहीं दिखेगा। सो याद रखना, नो स्ट्रिएशन इज सीन, नो स्ट्रिएशन इज सीन। तो कोई भी बैंडिंग पैटर्न आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलता। सो यू डोंट गेट टू सी एनी काइंड ऑफ बैंडिंग पैटर्न ओवर देयर, राइट। एकदम स्मूथ होते हैं ये मसल्स, कोई बैंडिंग आपको यहाँ पे नहीं दिखती। और क्योंकि आपको यहाँ पे बैंडिंग नहीं दिखती ना, इसलिए से हम इसे स्मूथ मसल बोलते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज स्मूथ मसल। इसके बाद याद रखना, दे डू नॉट अंडरगो फटीग। ये इतना एक्सटेंसिवली काम करते ही नहीं कि कभी फटीग हो सके। तो इसमें आपको फटीग होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अच्छा, ह्यूमंस इसे कॉन्शियसली यूज नहीं करते हैं तो उसमें भी फटीग हो जाता। सो दे डू नॉट अंडरगो फटीग, ठीक है। तो इसमें आपको फटीग देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पे स्मूथ मसल के, जो आपको रखने पड़ेंगे यहाँ पे याद। याद रखना, इंटेस्टाइन, स्टमक, ब्लड वेसल में आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। इनवॉलेंट्री होते हैं नेचर के अंदर, इनको आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते। शेप याद रखना, स्पिंडल शेप होता है इनका शेप, एंड दे आर गोइंग टू बी यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस इसके अंदर आपको मिलेगा। और आपको यहाँ पे स्ट्रिएशन देखने के लिए आपको यहाँ पे कभी भी नहीं मिलता। सो दीज आर द ट्रेट्स, बहुत ही सिंपल ट्रेट्स हैं जो आपको मिलेंगे आपके स्मूथ मसल के अंदर। लोकेशन याद रखना, यू विल फाइंड देम इन द इंटेस्टाइन, स्टमक, ब्लड वेसल्स के अंदर भी आपको ये मसल्स देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। ये आपका हो गया स्मूथ और ये आपका हो गया यहाँ पे स्केलेटल, ठीक है। इनमें से कौन सा मसल है जो आप ग्रो कर सकते हो, स्केलेटल या स्मूथ, कौन सा वाला आप ग्रो कर सकते हो अपनी बॉडी के अंदर? कार्डियक मसल। कार्डियक टर्म जब भी सामने आता है आपको पता ही क्या होता है, these are the muscles which will get to see in the heart। जब भी किसी छोटे बच्चे को मैं पूछता हूँ ना कि क्या बनना है, तो वो कहता है cardiac doctor, नहीं cardiologist, that's what they say। This is a very famous term। किसी को कुछ मालूम हो ना हो लेकिन ये मालूम होता है कि cardiology मतलब heart का doctor, that is quite interesting। So चलिए देखते हैं, यहाँ पे cardiac muscle की बात करते हैं। तो these are the muscles of the heart। These are the muscles of the heart। So heart के muscles ही है। So heart के अंदर जो muscles मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे as a cardiac muscles, right? अब ये muscles जो आपके सामने हैं, they are also going to be cylindrical in shape। ये भी आपके होते हैं यहाँ पे cylindrical shape के। So they are going to be cylindrical in shape। अब अगर आप इन muscles को observe करते हो, अगर आप हार्ट को बाहर निकाल के अगर इन मसल्स को ऑब्जर्व करते हो, देन आपको क्या मिलेगा? यू विल फाइंड कि एक्चुअली चलो ये सिलिंड्रिकल शेप तो चलो इनका है ही है, वो तो चलो ठीक है, दैट इज अ नॉर्मल थिंग। बट उसके साथ साथ व्हाट यू विल गेट टू सी ना, कि इन मसल्स के अंदर यू विल फाइंड बैंडिंग पैटर्न। इन मसल्स के अंदर आपको बैंडिंग पैटर्न क्लियरली देखने के लिए आपको मिल जाता है। सो आपको यहाँ पे बैंडिंग पैटर्न मिलेगा देखने के लिए। सो यू विल गेट टू सी द बैंडिंग पैटर्न ओवर हियर, आपको ऐसे थिन बैंड्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए इन मसल्स के अंदर।
हाँ जी अभिषेक बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। रोटी खा लिया मैं, रोटी। अभिषेक का माइक ऑन हो गया था। ऑलराइट एंड ओवर हियर यू विल गेट टू सी सम डार्कर बैंड्स मसल के आपको जैसे डार्कर बैंड्स आपको मिल जाता है। ठीक है, सो यू हैव अ सिलिंड्रिकल इन शेप, याद रखना, और यहाँ पे आपको स्ट्रिएशन देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे यू विल फाइंड स्ट्रिएशन इज सीन, सो स्ट्रिएशन आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए इज सीन, तो ये बात भूलना मत। बैंडिंग पैटर्न आपका पे, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, दे आर माय बैंडिंग पैटर्न्स, तो स्ट्रिएशन आपको मिल जाता है। अब आप लोग मुझे बताइए ये वॉलंटरी होंगे इनवॉलंटरी होंगे? इनवॉलंटरी। बिल्कुल सही, दे आर गोइंग टू बी इनवॉलंटरी नेचर। हाँ जी, दे आर गोइंग टू बी इनवॉलंटरी नेचर, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगेन बता दो आप में से अगर कोई हो तो जो कंट्रोल करता है। So they are going to be involuntary nature, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते ये। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपका हार्ट के जो मसल्स है वो आपके बर्थ के पहले से काम कर रहे होते हैं और लाइफ के एंड तक काम करते हैं। ठीक है, सारे का दैट विल इनवॉलंटरी नेचर और इनको आप कंट्रोल नहीं, इनको लाइक यू कैन नॉट कंट्रोल देम, दे वर्क ऑल बाय देमसेल्फ। ठीक है, एक और बात याद रखना यहाँ पे कि ये जो मसल्स होते हैं ना, इनके बीच में आपको डार्क बैंड्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। बिटवीन द मसल्स यू विल फाइंड सम डार्क बैंड्स, ये डार्क बैंड्स जो आपको यहाँ पे मिलते हैं इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंटरकैलेटेड डिस्क, वी कॉल देम एज अ इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, तो ये इंटरकैलेटेड डिस्क एक यूनिक फीचर आपको सिर्फ मिलता है कार्डियक मसल्स के अंदर, राइट? तो ये जो मसल्स होते हैं इनके बीच में आपको ऐसे डार्क बैंड्स आपको मिलेंगे जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क। इनका जनरली काम ये होता है कि आपके नर्व इंपल्स को काफी स्मूथली ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आपके हार्ट के अंदर है ना, नर्व इंपल्स आपका हमेशा ट्रांसपोर्ट होता रहता है, उस वजह से आपका हार्ट बीट करता है। तो नर्व इंपल्स काफी स्मूथली ट्रांसपोर्ट इसलिए हो पाता है बिकॉज ऑफ द इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इसके थ्रू काफी इजीली काफी स्मूथली आपका नर्व इंपल्स ट्रांसपोर्टेशन आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो अबाउट द कार्डियक मसल, के इंटरकैलेटेड डिस्क तो हम याद रखना है, ये आपको सिर्फ कार्डियक मसल के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। सो ये बात आपने भूलनी नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, they do not undergo fatigue, they do not undergo fatigue, मतलब ये breakdown नहीं होते। देखिए आपके बचपन से लेके like life के end तक ये लोग काम करते बिना रुके हुए और ये breakdown नहीं होते। हाँ, ये बात जरूर possible है कि आप अगर अपने हार्ट का हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो देन उसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है, बट जनरली वो खुद से काम करता है थ्रू आउट द लाइफ, राइट? बट हाँ, अगर उसके अंदर आप खा रहे हो बाहर जाके वड़ा पाव पानी पूरी हर दूसरे दिन जाके, देन यू कैन फाइंड दैट यू कैन हैव अ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑन योर हार्ट, राइट? या अगर आप बटर की वाली चीज बहुत ज्यादा खा रहे हो बिना रिस्ट्रिक्शन के, देन यू कैन फाइंड योर हार्ट कैन हैव अ इश्यूज, देन आप देख सको कि आपकी हार्ट की एफिशिएंसी लाइक थोड़ी कम हो जाए, राइट? बट उसके अलावा यू जनरली डोंट गेट टू सी एनी इश्यूज विद द हार्ट, ये थ्रू आउट द ईयर आप थ्रू आउट द लाइफ काम करता है, इट डज नॉट अंडरगो फटीग, राइट? तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपके कार्डियक मसल्स के जो आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। सो दीज आर माई हार्ट मसल्स, सिलिंड्रिकल शेप के आपको मिल जाएंगे इसके अंदर भी मसल्स आपके यहाँ पे, स्ट्रिएशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, आपको बैंडिंग पैटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। दे आर गोइंग टू बी इनवॉलंटरी इन नेचर, ये आपके इनवॉलंटरी इन नेचर होते हैं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये खुद से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। आपको मसल्स के बीच में आपको डार्क बैंड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, कॉल देम एज अ इंटरकैलेटेड डिस्क, जो आपको हेल्प करता है स्मूथ नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन के लिए। एंड दे डू नॉट अंडरगो फटीग, ये जो आपके कार्डियक मसल होते हैं ये आपके फटीग नहीं होते थ्रू आउट द लाइफ। तो ये इतने पॉइंट्स आपको रखने पड़ेंगे याद इन टर्म्स ऑफ द कार्डियक मसल। क्या कार्डियक मसल आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, ऑलराइट, चलो अच्छी बात है, समझ आ रहा है। तो दिस इज समथिंग वी हैव डन, तो यहाँ तक हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारे तीनों मसल देख लिए, कार्डियक, स्मूथ एंड योर स्केलेटल मसल। तो इन सबको आप याद रखना अच्छे तरीके से, सिर्फ इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इवन आपका चैप्टर 20 जो आपका है यहाँ पे आपके इस एनसीईआरटी के अंदर, उसके अंदर भी हम ये सब चीजों को देखते ध्यान से। सो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर द बेसिक थिंग, ताकि आपको आगे चीजें समझने में आसानी होगी, राइट? सो आई डायरेक्टली जंप ऑन द टॉपिक जब मैं चैप्टर 20 कराऊंगा तब। So these are the things you have to know. Ab now if you have any question from your end, agar aapke end se agar koi question hai aapke paas ya koi query hai
या कोई समस्या है या कोई